हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। और विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये 12th वीडियो है जिसमें आज पढ़ेंगे सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें एक छोटी सी जानकारी लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 6-7 पॉइंट हैं केवल। फर्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुल मिलाकर के 523 सोनेट्स लिखे हैं, और इन 523 सोनेट्स में से 552 यानी 522 सोनेट जो हैं वो पेट्राकन सोनेट फॉर्म में लिखे गए हैं। इसमें ऑक्टेव और सस्टेट फॉर्म में डिवाइड होता है, और केवल एक सोनेट जो है शेक्सपियरियन सोनेट है, यानी कि वो फॉर्म जो शेक्सपियर ने लिखी, 3 क्वार्टर्न और 1 कपलेट। और इस सोनेट का नाम है टू द लेडी ई बी एंड द ऑनरेबल मिस पी। और राइमिंग स्कीम आप जानते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट की स्कीम होती है वो है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी डबल जी। और इस सोनेट की जो लास्ट कपलेट है, सिस्टर्स इन लव आर लव अलाउड टू क्लाइम इवन ऑन दिस अर्थ अबव द रीच ऑफ टाइम। और हम बात करें कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पहला सोनेट लिखा, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट रोट हिज फर्स्ट सोनेट इन 1787, और ये सोनेट है ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स बीप एट ए टेल ऑफ डिस्ट्रेस। और ये सोनेट पब्लिश होता है द यूरोपियन मैगजीन, तो इस मैगजीन में पब्लिश होता है। अब बात आती है जो प्रश्न पूछा गया था कि सोनेट सीरीज में जो रिवर डॉडन्स सोनेट है ये कब पब्लिश होता है, ये प्रश्न टीजीटी में आ चुका है। तो इनके जो सोनेट सीरीज हैं, फर्स्ट सीरीज है द सीरीज ऑफ रिवर डॉडन सोनेट्स जो 1806 से लेकर के 1820 तक लिखे गए हैं और पब्लिश होते हैं 1820 में। और इस सोनेट सीरीज में 34 सोनेट्स हैं, यानी कि 34 सोनेट्स हैं। दूसरी सीरीज है एक्लेस्टिकल सोनेट्स जो 1821 से लेकर 1822 में लिखे गए और पब्लिश होते हैं 1822 में। और थर्ड सीरीज है सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी एंड ऑर्डर जो कंप्लीट 1831 में होते हैं, 1831 में होते हैं और पब्लिश होते हैं 1835 में। और एक सोनेट सीरीज है सोनेट अपॉन पनिशमेंट ऑफ डेथ 1839 से लेकर के 1840, यानी 2 वर्षों में लिखे जाते हैं, 1839 और 1840 में, और पब्लिश होते हैं 1841 में। और दूसरे जो इंडिविजुअल सोनेट्स हैं, अदर सोनेट्स आर इंडिविजुअल सोनेट्स विच वर पब्लिश्ड इन डिफरेंट वॉल्यूम। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। वर्ड्सवर्थ का जो लास्ट सोनेट माना जाता है वाई शुड बी बीप और मॉर्न एंजेलिक बॉय, और ये पब्लिश होता है 1850 में। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो अकेला लव सोनेट है उसका नाम है वाई आर्ट दाउ साइलेंट। अब आप जानते हैं कि लगभग 33 सोनेट मिल्टन ने लिखे हैं, 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखे हैं जो बहुत होते हैं। तो इसी पर जॉफ्री ब्रेटन कहते हैं वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द इंग्लिश मास्टर्स ऑफ द सोनेट फॉर्म।
और कुछ फेमस सोनेट्स हैं। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, और कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, September 3, 1802, ये भी बहुत फेमस सोनेट है, और लंदन 1802, जिसको टू मिल्टन नाम से जानते हैं, ये भी फेमस सोनेट है, ये आपने पढ़ा होगा। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी फेमस सोनेट है, इससे भी लाइन्स पूछी जाती हैं। नंस फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, और आप फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें से वो जान लेते हैं। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट सोनेट थे। तो आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट हैं ये दर्शा रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट से कितना प्यार करते थे, कितना इनको लगाव था। वर्ड्सवर्थ वॉच अ ग्रेट लवर ऑफ सोनेट, इट इज एविडेंट फ्रॉम हिज सोनेट ऑन सोनेट, सोनेट का नाम है स्कोर नॉट सोनेट। इस सोनेट में आपने पढ़ा होगा कुछ सोनेट की लाइन है, हु हैव फेल्ट द वेट ऑफ टू मच लिबर्टी शुड फाइंड ब्रीफ सोलेस देयर एज आई हैव फाउंड। तो ये नंस फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट नैरो रूम, इसमें से ये लाइन ली गई है। और जब रॉबर्ट ब्राउनिंग सोनेट की बुराई करते हैं तो फिर विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट एंड मेलोडी। ये स्कोर नॉट एंड द सोनेट इसी की लाइन है और ये रिस्पॉन्स में है उसके रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ। फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन दिस इन हिज हैंड द थिंग बीकेम अ ट्रम्पेट। ये भी सोनेट के बारे में लेते हैं कि अगर मिल्टन के रास्ते में ये सोनेट आ गए तो मिल्टन ने जब इनको लिया तो इन हिज हैंड द थिंग बीकेम अ ट्रम्पेट, तो ये सोनेट जो है वहाँ पर एक ट्रम्पेट बन गया, यानी कि दुदम्बी बज गई, तुरही बन गई। वेन सी ब्लू सोल एनिमेटिंग स्टेन, जब इन्होंने आत्मा को झंझोर देने वाला इससे स्वर निकाले। अलास टू फ्यू, लेकिन बहुत कम लोग ने ऐसा किया। तो स्कोर नॉट सोनेट हैं, तो बस इतने ही पॉइंट थे और इम्पोर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।